हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा और वो है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रेवोल्यूशन। कोई भी टू डायमेंशन का कर्व है, अगर वो एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कराया जाए तो वो थ्री डायमेंशन के शेप जैसा दिखता है, या फिर उसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करो तो भी ऐसा नजर आता है। तो उसका हम वॉल्यूम और सरफेस कैसे निकालेंगे, तो मैं ये वाला जो वीडियो है इसमें वॉल्यूम सिखाऊंगा, देन अगले वाले में आपको सिखाऊंगा कि उसका सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। सो देखिए, अच्छा ये समझने से पहले आपको कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट पूरा आना चाहिए, बिकॉज कोई भी कर्व हमें दिया हुआ है यहाँ पे तो हमें उसका ट्रेस करना आना चाहिए। तो मेरे यहाँ पे आई नोटिफिकेशन आई जो लिखा हुआ वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको मेरे जो प्लेलिस्ट है उसमें दिख जाएगी, उसमें आप कर्व ट्रेसिंग वाला वीडियो आप जरूर देख लें एक बार। और बाकी अगर वीडियो है एसिम्प्टोट है, फूरियर सीरीज है, फूरियर ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, आपका मैट्राइसेस है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखे हैं, तो आप देखते रहिए और अपने कमेंट करते रहिए। सो हम इसको स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन को किस तरह से हम करेंगे। तो यहाँ पे पहले मैं फार्मूले की बात कर दूं कि अगर कोई भी कर्व को हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो इसका जो फार्मूला होगा वो होगा पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, मतलब हम एक्स एक्सिस के अबाउट क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, राइट। अगर हम उसको वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला होता है पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, राइट। और ये हम किसके अबाउट रोटेट करते हैं, वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं, क्लियर है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, और वो एग्जांपल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, राइट। ये एक सर्कल है, इस सर्कल को अगर हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हम जानते हैं ये 0.0 होगा, ये 0.0। अगर हम इसको एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, राइट, तो इससे जो शेप बनेगा उसका आपको एरिया मतलब वॉल्यूम निकालना है। तो हम जानते हैं कि ये सर्कल है, और अगर इसको मैंने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया तो एक स्फेयर नजर आएगा, राइट। तो वो स्फेयर का वॉल्यूम, वैसे हमें पता है स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πa³, राइट, ये इसका वॉल्यूम होता है। पर इस फार्मूले से वो आंसर आना चाहिए, राइट। एक और चीज बताता हूं मैं आपको कि ये जो कर्व है इसको हम एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं तो हम लिमिट क्या लें, राइट, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्स वन से एक्स टू लिमिट लेनी है। तो बेटा आप यहाँ पे अपर हाफ की लिमिट लेंगे, लोअर हाफ की लिमिट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर हाफ अगर मैं आपको बोलूँ कि ये नहीं है बाय चांस, ये नहीं है, और मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ तो भी वही शेप बनेगा, क्योंकि आप घूमेगा तो अल्टीमेटली स्फीयर ही नजर आएगा, है ना। तो जो अपर हाफ की सिमेट्री हमारे काम, अगर कोई सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस तो हमारे सिर्फ अपर हाफ का पार्ट ही काम होता है, काम का होता है, नीचे वाला काम का नहीं होता, राइट। सो अगर हम इसका वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का फार्मूला कितना होएगा, देखो ट्वाइस करेंगे हम, और यहां से मैं ये लिमिट लूंगा तो ए कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, जीरो से, और मैं ट्वाइस कर रहा हूं मतलब मैं अपर हाफ ही ले रहा हूं, या तो मैं माइनस ए से ले लूं या फिर मैं जीरो से लेके क्या कर लूं उसको ट्वाइस कर लूं। नाउ पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और बेटा यहां से वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान दीजिए इधर, टू पाई बाहर निकाल ही लो, खत्म करो इसको, नाउ जीरो से ए, तो यहां से आपके पास वैल्यू आएगी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट जीरो से ए, और यहां पे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये आएगा ए की जगह रखोगे तो एक्स की जगह रखोगे तो ए क्यूब, और यहाँ रखोगे तो माइनस का ए क्यूब बाई थ्री, और जीरो पे जीरो हो रहा है, देन इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा टू ए क्यूब बाई थ्री, और मल्टीप्लाई होगा तो 4πa³/3, ये इसका क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा, राइट, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी कर्व का सरफेस और मतलब सरफेस एरिया और वॉल्यूम पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे ये इसका वॉल्यूम निकलेगा। अच्छा, एक कभी कभी कंसेप्ट में आपको एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और वो क्वेश्चन इस तरह से होते हैं, जैसे मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे कि अगर आपसे ये क्वेश्चन दिया जाए कि x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा, कोई कर्व है, इसे कर्व बन रहा है और वो कर्व एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो बताओ उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो बेटा ये जो कर्व है, ये जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखे हैं सर्कल के, याद है। अगर इससे जो कर्व बनेगा वो तो आपको पता है क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ो यही आएगा, क्लियर है। पर अगर हमें ऐसा दे रखा है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वही कंसेप्ट, ये एक सर्कल है, राइट, है ना, वही सर्कल इसी टाइप का बनेगा ये, है ना। पर यहाँ पे जो फार्मूला होगा उसमें क्या फर्क होगा, ध्यान दीजिए, पाई y स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, ये फार्मूला हो जाएगा इसका, कुछ नहीं करना, डी थीटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, और लिमिट क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा वन से थीटा टू। तो अगर हम इस फार्मूले से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर ये आएगा, करके देख लीजिए। देखो यहां से लिमिट क्या जाएगी, ये जीरो से पाई बाई टू, क्योंकि एंगल लिमिट जो होगी वो एंगल में होगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या करें, ट्वाइस जीरो से पाई बाई टू, राइट, पाई तो बाहर निकाल दिया हमने, नाउ वाई स्क्वायर, बेटा वाई की वैल्यू कितनी ये रहेगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स बाई थीटा, इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आएगा यहाँ पे, ये ए साइन थीटा आएगा माइनस का, क्लियर है, इंटू डी थीटा, बाहर निकाल लीजिए इसको। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा, टू पाई ए क्यू
0 से पाई बाय 2, यहां से आपके पास वैल्यू आएगी साइन क्यूब थीटा डी थीटा, क्लियर है? और साइन क्यूब थीटा डी थीटा, तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूं, गामा बीटा का कंसेप्ट लगेगा, और गामा बीटा वैसे मैंने पढ़ाया नहीं है, पर मैं आगे एक वीडियो लूंगा जिसमें गामा बीटा आपको समझाऊं, पर यहां पे जरूरत पड़ रही है इसलिए मैं आपको समझा देता हूं। गामा बीटा का कंसेप्ट क्या होता है, 0 से पाई बाय 2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो मैं शॉर्ट ट्रिक समझा रहा हूं, क्या करेंगे आप, जो भी है उसमें एक जोड़ के आधा करो, जो भी है उसमें एक जोड़ के आधा करो, डिवाइडेड बाय दोनों को जोड़ लो, दोनों को जोड़ो कितना आएगा p प्लस q प्लस 2 बाय 2, ये कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। तो देखिए हम वही लगाएंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे साइन तो है पर कॉस नहीं है, तो बेटा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, कॉस 0 थीटा डी थीटा, है ना, लगाइए फार्मूला। और वैसे वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इस नेगेटिव को तो आप नेगलेक्ट ही कर लीजिए ना। सो 3 इसमें एक जोड़ो कितना आएगा 4 बाय 2, 0 इसमें एक जोड़ो 1 बाय 2, और इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा यहाँ पे 5 बाय 2, बोलो जी सही है कि नहीं, है ना। ना उसकी वैल्यू निकालेंगे हम, तो वैल्यू निकालेंगे कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 पाई ए क्यूब, और गामा 4 बाय 2 मतलब गामा 2, और गामा 2 जो स्टूडेंट्स गामा के बारे में नहीं जानते मैं आपको समझा दूँ, गामा 2 की वैल्यू होती 1, गामा 3 की वैल्यू होती है 2 फैक्टोरियल दैट इज 2, है ना। और एक और कॉन्सेप्ट होता है गामा 1 बाय 2 की वैल्यू होती है रूट पाई, है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा जरूरत पड़ेगी। और अगर आपको गामा 5 बाय 2 सॉल्व करना है, तो गामा 5 बाय 2 अगर आपको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, एक एक कम करते जाइए, गामा 5 बाय 2 में एक गया तो कितना बचा 3 बाय 2, फिर एक और गया तो कितना बचा 1 बाय 2 है, ऐसे। तो ये इस तरह से इसकी वैल्यू निकलती है ना, तो वो हम रखेंगे यहाँ पे, तो 4 बाय 2 तो 1 हो जाएगा, यहाँ आएगा ये गामा 1 बाय 2, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 3 बाय 2 1 बाय 2 एंड गामा 1 बाय 2, ये टर्म से ये टर्म क्या हो गई कैंसिल, और ये ऊपर चला जाएगा, है ना। एक फार्मूले में यहाँ 2 और होता है, मैं लिखना भूल गया, ये 2 और आएगा, क्लियर है, तो ये 2 आएगा, तो यहाँ पे ये 2 और रहेगा, तो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, देन आपके पास वॉल्यूम आएगा 4 पाई ए क्यूब बाय 3। तो ये एक और फार्मूला, एक और तरीका है, अगर आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट दे रखें तो ये वाला फार्मूला यूज होगा। तो मैं भी आपके सामने 2-3 क्वेश्चन यूज करूंगा जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे उसका हम वॉल्यूम निकालते हैं अगर कर्व को एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए आप यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय द लेटेस्ट रेक्टम अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स। एक पैराबोला इस टाइप का आपको कर्व दे रखा है, दिस इज एक्स एक्सिस दिस इज वाई एक्सिस, और पैराबोला आप जानते हैं इस टाइप का पैराबोला, आपको पता है ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x मतलब इस टाइप का पैराबोला होगा, और लेटेस्ट रेक्टम आप जानते हैं ये होती है इसकी लेटेस्ट रेक्टम, क्लियर है। और ये वाला पैराबोला है तो इसका जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट होता है 1,0, और आप जानते हो इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम होती है इसकी लेंथ कितनी होती है 2a, और इधर भी 2a, टोटल 4a होती है, तो ये आधी आधी कितनी होगी, ये 2a होगी और ये कितनी होगी 2a होगी। तो मैं आपसे बोलूँ कि इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, तो आप बताएंगे ये कोऑर्डिनेट होगा 1,2a, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा 0,0। और ये जो पैराबोला है ये रोटेट कर रहा है अबाउट द टेंजेंट एट द वर्टेक्स, बट इसकी वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है वो क्या है वाई एक्सिस है, तो ये किसके अबाउट रोटेट कर रहा है अबाउट द वाई एक्सिस, तो इसका जो शेप होगा वो ऐसा दिखेगा, तो ये जो रोटेशन होगा उसके बाद ये कैसा बनेगा ऐसा बनेगा, क्लियर है। तो आपको इसका क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, हम इसके अपर हाफ का वॉल्यूम निकाल के क्या कर दें ट्वाइस कर दें, अगर मैं इसके अपर हाफ का वॉल्यूम निकाल के ट्वाइस कर दूं तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो वही आंसर आएगा, तो हम इसके अपर हाफ का निकाल के क्या करेंगे हम ट्वाइस करेंगे, राइट। तो इसका जो फार्मूला होगा वो कितना होता है पाई वाई स्क्वायर नो सॉरी पाई एक्स स्क्वायर डी वाई होगा, क्योंकि वाई के अबाउट रोटेट कर रहा, लिमिट क्या होगी वाई वन से वाई टू, और हम ट्वाइस करेंगे बिकॉज जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आएगा ट्वाइस, और लिमिट क्या आएगी वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वाई मिनिमम कितना है 0 और मैक्सिमम कितना जा रहा है 2a, तो ये आएगा 0 से 2a, पाई को बाहर निकाल दीजिए, और आप ये जो पैराबोला है इससे आप मुझे एक्स की वैल्यू निकालिए, तो एक्स की वैल्यू होगी वाई स्क्वायर अपॉन 4a, और उसका यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, राइट। तो स्क्वायर होगा तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई, और बाहर आ जाएगा ये 16a स्क्वायर, और ये वाई पावर 4 है, राइट। तो वाई पावर 4 का इंटीग्रेशन में सीधा कर रहा हूँ, तो ये आएगा वाई पावर 5 अपॉन 5 लिमिट 0 से 2a, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 16a स्क्वायर, और जिसे हम यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर 5 दैट इज 32 a पावर 5 अपॉन 5, और माइनस 0 पे 0 होगा, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा, यहाँ इसको कैंसिल करेंगे तो 2 तो दैट इज 4 पाई ए क्यूब अपॉन 5 एज आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और देखेंगे इस टॉपिक पे हम, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हम यहाँ एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। सो देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्यूशन ऑफ अ लूप ऑफ द कर्व
अबाउट द एक्स एक्सिस. तो ये आपका एक कर्व है जिससे एक लूप बनेगा और आपको उस लूप का क्या निकालना है, वो लूप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो उसका वॉल्यूम निकालना है आपको, राइट. तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस. यहाँ कर्व ट्रेसिंग का कंसेप्ट लगेगा और मैं आपको बता दूँ, कर्व ट्रेसिंग में पढ़ा चुका हूँ, आप मेरे जो प्लेलिस्ट है वहाँ जाके देख लीजिए, या फिर यहाँ जो आई लिखा हो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको मेरा कर्व ट्रेसिंग का वीडियो दिख जाएगा, राइट. तो देखिए आप, ये सबसे पहले वाई की पावर इवन है तो ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, और अगर जितना इधर है उतना ही इधर है तो ये एक्स एक्सिस पे एक लूप बनाएगा. तो एक्स एक्सिस पे लूप बनाएगा तो आपको क्या करना है, ये एक्स एक्सिस पे कट कहाँ करेगा, जब वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी. आप जानते हो कि जब y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो बेटा x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो a आएगी और एक जीरो आएगी. तो यहाँ ये आएगा और यहाँ ये आएगा, तो ये जो है ये आपका क्या बनेगा, एक लूप बनेगा. और ये लूप x एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है. मैं फिर से बता दूँ, ये y की पावर इवन है तो x के अबाउट सिमेट्रिक है, और हमें ये देखना है कि x एक्सिस पे कहाँ लूप बनाएगा. तो हम y की जगह जीरो पुट करेंगे, जैसे ही y की जगह जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू जीरो और a आएगी. तो जीरो रखने पर जीरो जीरो और ए जीरो आएगा, राइट. अब आपको ये क्या करना है, ये लूप एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है तो आपको उसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, राइट. पर मैंने आपको बता दिया कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, तो इसके खाली अपर हाफ से मतलब है, लोअर हाफ से हमको लेन देना नहीं है, राइट. तो हम वॉल्यूम का फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, राइट. यहाँ लिमिट क्या होगी, एक्स वन से एक्स टू होगी, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई, है ना. और लिमिट क्या हो जाएगी यहाँ से जीरो से, और बेटा वाई स्क्वायर की वैल्यू आपको पता पड़ रही है कितनी होगी, एक्स एक्स माइनस एक अपॉन थ्री ए डी एक्स, क्लियर. यहाँ ट्वाइस नहीं होगा. नाउ पाई अपॉन थ्री ए, जीरो से मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, सो एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स क्यूब. नाउ उसके बाद आएगा माइनस का टू ए एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का मतलब प्लस का ए स्क्वायर एक्स. नाउ इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा पाई अपॉन थ्री ए, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स पावर फोर अपॉन फोर माइनस टू ए एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, एंड देन इसकी लिमिट रखेंगे तो मैं सीधा लिमिट रख रहा हूँ पाई स्क्वायर अपॉन थ्री ए, जहाँ पर ये लिमिट जीरो से है ना, जहाँ पर एक्स से वहाँ ए रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ए पावर फोर अपॉन फोर माइनस, यहाँ पे भी हम रखेंगे तो कितना आएगा, ये ए पावर टू ए पावर फोर अपॉन थ्री, और यहाँ भी रखेंगे तो ये आएगा आपके पास ए पावर फोर अपॉन टू, एंड जीरो पे जीरो हो जाएगा. आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम आपके पास आएगा 12, तो और ए पावर फोर बाहर जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है आपके पास पाई अपॉन थ्री है ना, तो ये आएगा आपके पास थ्री ए पावर फोर माइनस एट ए पावर फोर, एंड ये आएगा आपके पास प्लस सिक्स ए पावर फोर, तो ये छः और तीन नौ आठ, तो ये आएगा आपके पास पाई अपॉन थ्री ए ए पावर फोर अपॉन ट्वेल्व बचेगा आपके पास. कैंसिल करेंगे तो ये से ये कैंसिल होगा तो ये आएगा पाई ए क्यूब अपॉन 36 हमारा आंसर होगा, क्लियर. एक और क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्पाइंडल शेप्ड सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवॉल्विंग एस्ट्रॉइड. एस्ट्रॉइड का जो कर्व होता है ये ऐसा होता है, और मैं आपको बता दूँ ये एस्ट्रॉइड है, इसका जो शेप होता है वो इस टाइप का होता है. जो सर्कल होता है ना, ध्यान दीजिए इधर, आपका जो सर्कल होता है वो ऐसा होता है, राइट. इसको इसकी जो ये है ना, इसको उल्टा कर दीजिए ना, ये ऐसा कर दीजिए, इसको आप उल्टा कर दीजिए तो ये ऐसा शेप बनेगा इसका एस्ट्रॉइड का, राइट. तो आपको ये याद रखना है इसका शेप. और जो एस्ट्रॉइड है इसको अगर आप इसका वॉल्यूम निकालोगे, ये बोल रहा है कि ये एक्स एक्सिस हो रही है, वाई एक्सिस हो रही है, एक्स एक्सिस के अबाउट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, राइट. तो वही आपको अपर हाफ से लेन देना है, लोअर हाफ से कोई मतलब नहीं है. पर यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात ये है कि हम यहाँ पे इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेंगे, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आपको याद रखने होंगे इसके, x इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, क्लियर. अगर आप ये रख के देखोगे तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्पाइनल शेप सॉलिड जनरेटेड बाय द बाय रिवॉल्विंग द एस्ट्रॉइड दिस, है ना, वो नहीं दिया होगा, इसकी जगह ये दे रखा हो, तो अल्टीमेटली ये दिया हो तो भी यही है और वो दे रखा है तो भी यही है, क्लियर. नाउ हम जानते हैं इसका वॉल्यूम का फार्मूला कितना होता है, पाई वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा, क्लियर है. बताया था मैंने आपको जब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते तब ये कंसेप्ट लगता है. नाउ यहाँ पे क्या लिमिट होगी, थीटा वन से थीटा टू, और हम ट्वाइस कर बाद में करेंगे, राइट. अब देखिए आप, वॉल्यूम इज इक्वल टू, मैंने नीचे वाली स्टेप में लेता हूँ,
ट्वाइस, लिमिट लेंगे जीरो से पाई बाई टू। बेटा मैं ये लिमिट लूंगा जीरो से पाई बाई टू और ट्वाइस करूंगा, या तो जीरो से पाई ले भी ले सकता हूं, पर मैं जीरो से पाई बाई टू लेके इसको ट्वाइस करूंगा, सो दैट हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ेगी। और वाई स्क्वायर, बेटा ये हमारा वाई है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर साइन सिक्स थीटा हो जाएगा, है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो। और डी एक्स बाई डी थीटा कितना आएगा भैया, थ्री ए कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस का होगा वापस हमारे पास माइनस का साइन थीटा डी थीटा, ये हमारा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। नाउ वॉल्यूम इज इक्वल टू कितना आएगा, टू और थ्री सिक्स पाई ए स्क्वायर, ए कितना आएगा यहाँ पे, ये ए की ओर नेगेटिव भी बाहर आएगा, पर हम जानते हैं वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन सेवन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। मैंने आपको बताया था यहाँ हम गामा बीटा यूज़ करेंगे, है ना, गामा बीटा का फार्मूला मैंने आपको समझाया था इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, वहाँ से देख लीजिएगा, माइनस सिक्स पाई ए क्यूब, मैं आपको टिक समझा रहा हूँ, ये सेवन है इसमें एक ऐड करिए, साथ में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा आठ, और गामा में लिख के डिवाइडेड बाय टू, ये दो है इसमें एक ऐड करिए कितना आएगा ये थ्री, और क्या करेंगे आधा, और इन दोनों को जोड़ो कितना आएगा ये गामा इलेवन बाय टू, और ये टू यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये इसका क्या होगा वैल्यू होगा, मैं आपको बता चुका हूँ इसका फार्मूला, है ना, कि क्या होता है, मैं आपको जरूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। और हम जानते हैं वॉल्यूम हमेशा पॉजिटिव होगा तो मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, है ना, गामा फोर बाई टू, गामा एट बाई टू गामा फोर, और गामा फोर की वैल्यू होती है थ्री फैक्टोरियल, दैट इज थ्री इंटू टू इंटू वन, और गामा थ्री बाई टू की वैल्यू होगी वन बाई टू गामा वन बाई टू एंड टू, और ये फाइव बाई टू की इलेवन बाई टू की वैल्यू आएगी नाइन बाई टू, एक एक कम करते जाइए, सेवन बाई टू फाइव बाई टू थ्री बाई टू वन बाई टू एंड गामा वन बाई टू, ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा आपके पास, राइट। अब चाहो तो इसको और कैंसिल कर दो, थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री से इसको कैंसिल करेंगे तो टू, सो द आंसर आएगा आपके पास पाई ए क्यूब तो है ही आपके पास, है ना, और ये टू से ये टू कैंसिल कर दीजिए आप, है ना, एक दो तीन चार ऊपर जाएगा तो ये होगा आपके पास 32, और यहाँ आएगा आपके पास 7 5 35, और दैट इज़ 105, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, क्लियर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आपको रिवोल्यूशन ऑफ द कर्व वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा, है ना। सो मैं इसके बाद आपको लूंगा कि सरफेस एरिया किस तरह से निकालते हैं अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है। सो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखते रहिए, और अपने कमेंट जरूर करते रहें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर दें, सो देट आपको पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। प्लस मैं कुछ अभी और भी वीडियोज डाल रहा हूँ 10th 11th 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो आप वो भी देखते रहिए, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग या बीएससी करें तो आपके वो बेसिक्स भी क्लियर होने चाहिए। प्लस आपके कोई छोटे भाई आपके जो घर में कोई 10th 11th 12th कर रहा है तो उसको जरूर आप रेफर करें मेरी वीडियोज का, सो दैट कि उनको भी थोड़ा फायदा मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।